हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया मेरे नाम से कांपती है, इंसानियत के नाम पे बेदुबा धब्बा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान अपने माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, कोई इंसान चोरी नहीं करता, कोई इंसान तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर तो लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार शर्मा आज आया हूँ गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में। दोस्तों मैं आज ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला हूँ और आप सबको भी मिलाऊंगा जो कि फिल्म भी बना रहे हैं और वो एक ऑर्केस्ट्रा का मालिक भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बनाया है। एक फिल्म उनका जो यूट्यूब पर उपलब्ध है जिसका नाम है गाँव का मसीहा, और भी एक फिल्म बन रहा है दोस्तों, उस पर भी काम चल रहा है। तो चलिए हम लोग उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेंगे उस फिल्म के बारे में और भी बहुत कुछ बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज़ाद जी, चलिए हम लोग इनसे कुछ बात करते हैं। तो आज़ाद जी कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद एक्टर्स, भोजपुरी फिल्म का अभिनेता, आप लोगों के बीच एक छोटे मोटे कलाकार हूँ और मेरा यहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता है थाना मोड़ बरौली जिला गोपालगंज। तो आज़ाद जी हमको ये बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है और आप कहाँ तक पढ़े हैं। मेरा इंटर तक पढ़ाई हुआ है जी, सेकंड डिवीज़न में हूँ और मेरा ख्वाहिश था कि आर्मी का जवान बनने के लिए जी। लेकिन हमारे घर परिवार में बैंड पार्टी चलता था जी। और मेरे घर में बहुत कमजोरी था जी। पैसा का तंगी था, तो इसलिए हम लोग भी इसमें घुस गए, बैंड पार्टी में हम लोग भी चले आए। और उसके बाद बैंड पार्टी करते करते देखा गया कि बहुत कमजोरी चल रहा है, मेरा बहन लोग का शादी उदी करना था, तो इसलिए हम ऑर्केस्ट्रा का काम चालू किया। यहाँ तक आने में बहुत कष्ट हुआ। तो दोस्तों अभी आज़ाद जी बताए हैं कि इनके घर में बहुत मतलब पहले प्रॉब्लम था, पैसे की कमी थी, लेकिन घर में एक चीज़ पहले से था, वो जो बैंड और ये जो जो भी बाजा होता है उसका माहौल। घर के मजबूरी के कारण अपने लक्ष्य को इन्होंने छोड़ा और कुछ पैसों के लिए अपने पिताजी के साथ ये भी जाते थे और बैंड के साथ ये भी कुछ उसमें मदद करते थे। उसके बाद आपको मन में ये कैसे आया कि मैं भी एक ऑर्केस्ट्रा शुरू करूँ, मैं भी एक ऑर्केस्ट्रा का मालिक बनूँ, तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए हम गए तो बंगाल में कुछ लोग से बोले कि भाई हम भी ऑर्केस्ट्रा चलाएं जी। तो हम लोग उस टाइम मैट्रिक तो परीक्षा दिए थे 2004 में, 2004 का मैट्रिक है हम। मैट्रिक के देने के बाद हम लोग हमको एक ऑर्केस्ट्रा में गए थे तो डांस करने के लिए, तो हमको एक आदमी बैठा दिया, नहीं डांस कराया और उसको थोड़ा जलन होता था जी। तो हम बोले कि हम भी ऑर्केस्ट्रा चलाएं जी। और उस टाइम हम चले गए बंगाल, बंगाल में जाकर एक लड़की थी, लेडीज़ हम लोग लेकर आए, कुछ पैसा उसे दिए तो लोग बच्चा समझकर पैसा मार देता था लोग जी। बंगाल में पैसा भी मराता है बहुत जी। और मारने के बाद किसी तरह एडजस्ट करके दो तीन ठो लड़की लेकर आए, तो उस टाइम 3,035 का साटा हो रहा था जी। इस तरह करते 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 यहाँ तक आए हम। अब ये समझ जाइए कि इसमें बहुत मगजमारी है, बहुत टेंशन है, बहुत पहले बार तो अच्छा लगता है, बाकी बाद में लोग उल्टा सीधा जैसे कोई कोई बोलते रहते ये है वो है, ऑर्केस्ट्रा अच्छा नहीं है, फलान है चिलान है। हम बोले जो भी है ठीक है, कोई भी काम करने के लिए एकदम हौसला की जरूरी है, करते रहिए, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुँच ही जाएगी जी। वैसे तो ऑर्केस्ट्रा चलाने में थोड़ा मुश्किल तो है ही, क्योंकि समाज में इसके प्रति लोगों का जो सोच है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने ऑर्केस्ट्रा को आगे बढ़ाया, पूरे समाज में इसको मतलब फैलाया। अब बरौली प्रखंड में जाना माना एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप बन चुका है। और तो हम लोगों ने सुना है कि आप ऑर्केस्ट्रा के अलावा मूवीज़ भी बनाते हैं, फिल्म भी बनाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए इस बरौली प्रखंड में जितने ऑर्केस्ट्रा वाले उनका तो अध्यक्ष हमको बनाया गया है जी। मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का बरौली प्रखंड का ऑर्केस्ट्रा वाले लोग की, जितने नाच बजे वाले हैं जी। और इसके बाद मेरे ऑर्केस्ट्रा में डांस वूंस करते थे, तो एक आदमी कोई बोला हमको कि यार तुम फिल्म में काम करो, फिल्म लायक हो जी। तो हमने बोला कि यार हमसे नहीं होगा, फिर बोला कि ट्राई तो मारो, तो हम ट्राई मारे तो उस फिल्म में एक ठो गए दोस्ती दुश्मनी प्यार, भोजपुरी फिल्म है जी। उसमें हमको विलन का रोल एक ठो मिला छोटा मोटा किए। तो उसके बाद एक आदमी उसी में हमको देखे जब, तो बोले कि तुम हीरो लायक हो जी। तो बोले मेरा हीरो लायक कैसे हो सकते, मैं तो सांवला हूँ जी।
हीरो कैसे बन सकता हूँ। अब वहाँ से हम सोचे कि तब ठीक है, तब कोशिश करो, हो जाओगे। तो वहाँ से हम आए तो वही सब बुलाए सेठ उठनू, जिनका नाम है संजय सिंह, देवरिया जिला के हैं, वही हमको बोले कि तुम हीरो बन सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है सर, तब आपका हेल्प रहेगा तो हो जाएगा। तो वही गांव का मसीहा मेरा फिल्म शूट हुआ है, जो यूट्यूब पर है, गांव का मसीहा भोजपुरी फिल्म। और मेरा अभी 2-3 फिल्म में हम काम किए हैं। एक तो फिल्म है प्लेटफार्म हिंदी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें इंस्पेक्टर का काम किए हैं। और इसके बाद मेरा एक तो फिल्म फिर शूट होने वाला है रिक्शा वाला का बेटा, उसमें मैं मेन लीड में हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। इस फिल्म में मैं खुद पैसा भी लगा रहा हूँ, कुछ और लोग हैं, कुछ फाइनेंसर हैं हमारे पास। अब इसी फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ और ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है मेरा, ऑर्केस्ट्रा नाच ताशा बैंड सब चल रहा है मेरा, इसी में से कुछ निकलता है, तो इसमें भी लगाते हैं और करते हैं। अगर जो कोई भी गरीब परिवार से लड़का है, कोई काम करने वाले हैं तो आप हमसे संपर्क करें, आपका भी सपना पूरा हो जाएगा जी। तो दोस्तों आज़ादी का कहना है कि अगर कोई भी कलाकार है, उसके अंदर अगर हुनर है, वो फिल्म में काम करना चाहता है, तो यहाँ पर आए, उसके लिए यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है, आकर यहाँ पर संपर्क करें और फिल्म में काम कर सकता है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तभी काम होगा, पैसा नहीं भी होगा तो काम हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। देखिए मेरा सफ़र जो झुंझुना बजाने से लेकर और हीरो तक आने में, पैसा मेरे पास था ही नहीं। मेरा काम देख कर लोग पैसा देते गए, जैसे मार्केट में कर्जा ब्याज व्याज रुपये लेकर ये ऑर्केस्ट्रा चालू किए लोग किए। आज हमारे पास टोटल आदमी 60-70 आदमी काम कर रहे हैं हमारे अंदर में। अरे तो मेरा तो चल ही रहा है, लेकिन उन लोग का भी तो घर परिवार चल रहा है जी। जैसे बाहर का कलाकार हैं, बंगाल से आते हैं, सिलीगुड़ी से आते हैं, सब कलाकार काम कर रहे हैं, तो उनका भी तो परिवार चल रहा है मेरे वजह से। तो आज 60-70 आदमी काम भी कर रहे हैं मेरे अंदर में। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना खुद का प्रोडक्शन, मेरा आज़ाद फिल्म प्रोडक्शन हाउस मैं खुद अपना बरौली प्रखंड से स्टार्ट किया हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो मेरा 4-5 फिल्म का मेरा लाइसेंस होगा आजाद फिल्म प्रोडक्शन, उसमें 5 फिल्म का रजिस्टर होगा। अब आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो मेरा आगे काम बढ़ेगा। और मेरा फिल्म शूट होने वाला है अगला महीना, कहीं चांस है नहीं तो 8 महीने से चालू होगा लगन। तो दोस्तों एक समय था कि आजाद जी वहाँ पर झुंझुना बजाते थे और बैंड बजाते थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने वो अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ तक आज पहुँच गए हैं। आज ये एक ऑर्केस्ट्रा का मालिक हैं और खुद फिल्म का प्रोड्यूसर हैं, फिल्म भी बनाते हैं। तो हम लोग आज़ादी से जानना चाहेंगे कि आपका वहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़र जो है वो कैसा रहा, और बीच बीच में आपको मतलब कैसे स्ट्रगल किए हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे। देखिए शुरुआत में तो हमको पढ़ाई करते थे तो पिताजी मेरे ले जाते थे कभी काल झुंझुना बजाने के लिए जी। तो उसमें 10-20 रुपया मिल जाता था, 50 रुपया खर्चा लगी कर जाता था, और वहाँ से झुंझुना बजाते हुए जाते हम लोग स्कूल में फीस उसके लिए हो जाता था। और उसके बाद हम लोग 7वां-8वां में आए तो उसके बाद हमको बोला लो कि थोड़ा उम्र हुआ तो गाना गाने के बोला कि भाई गाना गाओ। तो उस टाइम गाना गिला था तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे जी, जी। तो वहाँ से गाते तो स्कूल में सब लोग बोलते थे भाई अच्छा गाना कौन गाता है जी। तो लड़का लोग बोलते थे भाई आज़ाद जी गाते हैं, आज़ाद भाई गाता है जी। तो हम उस टाइम गाना गाते थे, उस टाइम गाना गिला था तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि थोड़ा वो गाना थोड़ा गा कर सुना दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ये गाना हम लोग उस टाइम बेंच पर एक आदमी ठाकुर से बजाने वाले जी, और हम गाना गाते थे जी। तो गाना उस टाइम हम लोग याद किए थे तुम ठहरे परदेसी, गा कर सुना देते हैं आप लोग को। तुम ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर तो लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना गाया है। तो आगे बताइए आप, आगे का आपका स्ट्रगल जो है वो कैसा रहा। देखिए अब वहाँ से हम लोग गाने लगे तो अब कुछ दिन के बाद स्कूल में ड्रामा होने लगा जी। तो ड्रामा में हम लोग क्या किए कि सोचे कि भाई टीचर साहब हमारे बोल रहे थे कि भाई डांस कौन करेगा इसमें जी। तो उसमें उमंग था हम लोग का, उस टाइम 8वां-9वां क्लास में हम लोग थे, तो हम लोग हम भी डांस करेंगे। तो डांस आता था थोड़ा बहुत और सीखते भी थे जी। तो उसमें हम लोग ड्रामा में डांस उन्स किए, डांस उन्स करते हुए तब
और धीरे धीरे हम लोग बैंड में गए तो गाना उना गाते थे, डांस भी करते थे बैंड में। और उस तरह गाते गाते जब बारात में ऑर्केस्ट्रा आता था बाहर से जी जी, तो हम लोग उसमें सोचे भाई हम लोग को भी कोई लड़का बोल देता था कि भाई आज़ाद भाई अच्छा डांस करता है, इसको भी डांस कराइए। तो हम लोग चढ़ कर डांस करते थे तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा था, डांस करने का भी शौक था। तो डांस करते थे ड्रामा में भी और ऑर्केस्ट्रा में, कभी कल करते थे तो 150 इनाम उनाम मिल जाता था, 150 रुपये। अच्छा डांस करने लगे तो ऑर्केस्ट्रा वाले ने हम लोग को बोला कि चलो तुमको 200-250 रुपये मिलेगा और उसमें आपको पैसा दिया जाएगा। तो हम बोले चलो भाई बैठने से बढ़िया है कि 250 तो बाप माँ के पास है नहीं, 250 उस टाइम बहुत माने रखता था। तो हम लोग चले आए तो डांस उस करते थे तो 200-400 छूट मिल जाता था और 250 नाइट मिल जाता था, 500 हो जाता था। अब 500 होने के बाद रात को आदमी आता था, फिर सुबह में आदमी नहा धो कर स्कूल चले जाता था। यहाँ तक ले आए। तो ऐसा रहा कुछ आपका सफ़र। तो मैं आज़ाद जी आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक्टिंग करते हैं, आपने बहुत फिल्म भी बनाया है, तो मेरे भी व्यूअर्स के लिए कुछ एक्टिंग करके दिखाइए, कुछ डायलॉग्स बोलिए। देखिए एक तो डायलॉग है मेरा गोविंदा जी का जी, वही डायलॉग तो ज़्यादा अथी हो जाएगा भाई, बोलते हैं जी जी बोलिए। हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया मेरे नाम से कांपती है, इंसानियत के नाम पे बेदुबा धब्बा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान अपने माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, कोई इंसान चोरी नहीं करता, कोई इंसान। तो यार जी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।